हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो ये व्लॉग है नवमी वाले दिन का, जिस दिन की हवन होना था नवरात्रि वाला। तो बस सुबह सुबह हम लोग हो गए रेडी और हम लोगों को जाना है मंदिर। मंदिर में हम लोग को प्रसाद चढ़ाना था, साथ में देवी माता की पूजा भी करनी थी। तो सुबह हम लोग उठे थे इस दिन 4:30 बजे और उसके बाद आधे घंटे में हमने झाड़ू पोछा वगैरह किया साथ में दोनों लोगों ने। फिर उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके हम लोग तैयार हो चुके हैं। आज हमने साड़ी पहनी है इस तरह से, क्योंकि मंदिर जाना था। तो बस अभी हम लोग जाएंगे मंदिर और ये है रास्ते का सीन। तो हम लोग बस जा रहे हैं मंदिर और वहाँ जाके पूजा करेंगे। साथ में हम लोगों ने ना वहाँ झांकी लगी है जो देवी माता की, उनके भी हम लोगों ने दर्शन किए थे, वहाँ भी पूजा की थी। क्योंकि इन पूरे 9 दिनों में हम लोग नहीं गए थे इस बार मंदिर, नहीं तो वैसे हर बार हर नवरात्रि में ऐसा होता है कि हम लोग जाते ही हैं, चाहे बीच में जाएँ या पहले दिन जाएँ लास्ट वाले दिन जाएँ, मतलब जाते ही जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि एक भी दिन हम लोग मंदिर गए ही नहीं थे। तो अभी आज लास्ट वाला दिन था, नवरात्रि का नवमी थी। तो मम्मी ने कहा था कि चलो चलते हैं, प्रसाद भी चढ़ाना है। तो बस हम लोग वहाँ गए थे मंदिर दर्शन करने। अभी ये रास्ते भी हम लोग रास्ते में ही हैं, तो थोड़ी सी दूरी पे है मंदिर। तो बस वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पूजा पाठ का तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि फिर वो भीड़ बहुत ज़्यादा थी और फिर पूजा करने में वीडियो नहीं बन पाती है। तो बस जितना जो जैसा हो पाया है वो मैंने आपके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ आप भी इंजॉय करिएगा। तो ये रही माता की चौकी। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सी चौकी बनी है, माता की झांकी बोलते हैं। तो यहाँ ये झांकी बनी है बहुत ही सुंदर सी। और यहाँ मम्मी ना साथ में फूल वगैरह ले रही थी, क्योंकि यहाँ मंदिर के जस्ट सामने फूल मिल रहे थे माता को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ से हमने फूल लिया और फिर अंदर मंदिर जाके हमने पूजा की। उसके बाद मंदिर में पूजा करने के बाद फिर हम लोग गए थे बगल में बजरंग बली की मंदिर है छोटी सी। तो हम लोग गए थे बजरंग बली के मंदिर में, दर्शन किया, पूजा किया। फिर उसके बाद यहाँ झांकी जो लगी है ना देवी माता की, हम लोगों ने यहाँ भी पूजा की और साथ में यहाँ वीडियो बनवाई, फ़ोटो खिंचवाई। बहुत अच्छा सा लग रहा था। और सुबह सुबह का टाइम था, तो अभी यहाँ झांकी के पास थोड़ी सी कम भीड़ थी, क्योंकि यहाँ झांकी में ना रात में भीड़ होती है जब लाइटिंग ऑन होती है ना तब, तो इसलिए अभी यहाँ भीड़ कम थी।
तो यहाँ हमारी पूजा हो चुकी है, तो जाते टाइम मैंने सोचा कि मैं एक दो फ़ोटो भी निकला लेती हूँ। और ना यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि इस तरह से हाथ जोड़ के फ़ोटो निकलवाने में ना मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं ऐसे वोट मांग रही हूँ, जैसे इलेक्शन होता है ना कुछ इस तरह से, तो इसलिए मैं हंस रही थी यहाँ पर। तो बस यहाँ हमने फ़ोटो वगैरह निकलवाई, और साथ में मैंने भी रिचा की निकाली थी फ़ोटो। तो ये सारी चीज़ें करके, दर्शन करके, फ़ोटो निकलवा के, प्रसाद चढ़ा के, माता को पूजा करके, फिर हम लोग आ गए थे घर। और घर में आने के बाद वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो आज है नवरात्रि का आखिरी दिन, आज है नवमी और आज होगा हवन। जैसा कि आपने देखा सुबह की, आज हम लोग गए थे मंदिर, तो अभी अभी मैं मंदिर से आ रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं, ये देखिए। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग मंदिर से आए हैं वहाँ पूजा वूजा करके, और अभी मैं जा रही हूँ घर में भी पूजा करने, क्योंकि आज सोमवार है, मेरा सोमवार का व्रत रहता है। तो अभी मैं घर में भी पूजा करूँगी और बस यही सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग बनाती हूँ। वैसे ये देखिए, आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी मंदिर जाने के लिए, ये है येलो कलर की, जो कि मैंने अपने बर्थडे वाले दिन पहनी थी जब हम लोग मंदिर गए थे, ये वही वाली साड़ी। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और ज़्यादा तो कुछ नहीं किया है, बस ये कड़ा डाल लिया है चूड़ी, और वहाँ ये चंदन लगाया था बस। और आगे जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, आज है हवन, पीछे से आके ये मैं बोले ना, तो आज है हवन, नवमी है और हम लोग के हवन होने जा रही है। ये ऋचा है, तैयार हो गई है। मैं तैयार हुई हूँ, और अभी पंडित जी आए हैं। पंडित जी नहीं आए, और दोपहर के 1:30-1:30 बज रहे हैं। हम लोग का सोने का टाइम हो रहा है, वैसे हम लोग सोने जा रहे हैं, मम्मी पापा हवन करें अपने। मम्मी बहुत खुश हो रही है। मम्मी हमारे सारा काम अकेले कर रही है, दोनों बहू ऐसे बैठ के वीडियो बना रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, पंडित आ ही नहीं रहे हैं, और बहुत भूख लगी है, नींद लगी है। बहुत भूख लगी, नींद लगी है। आलू टमाटर मूंगफली था, मूंगफली था और चटनी था टमाटर की। लग रहा था भंडारा हो रहा, फलाहार तो था ही नहीं। हम लोग बढ़िया आराम से खाए थे। कल हम लोग की होटल जल्दी बंद हो गई थी। कल हम लोग की अभी मेरे होटल में तो ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे आपसे अगर बचेंगे तो। नहीं, आपसे मिलते हैं कल सुबह। अभी आज तो छुट्टी मिलेगी नहीं, जिस हिसाब से हो रहा है काम मुझे तो नहीं लगता है मिलेगी। अब कल दिन में मिलेंगे, जो भी जैसा होगा अपडेट आपको देंगे, ठीक है। कल की न्यूज आपको फोन कर लेते हैं, आज बाय बाय। और फिर थोड़ी देर बाद आ गए थे पंडित जी, उन्होंने हवन कराई। तो अभी यहाँ हम सब ने हवन कर ली है, और हवन का मतलब ये अभी जो हवन की आग होती है वो भी जल रही है, हवन कंप्लीट हो चुका है। तो बस वही आरती होनी बाकी है, तो मैंने सोचा कि मैं अभी का थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। वैसे तो कोई था नहीं कि जिसको मैं फ़ोन पकड़ा सकूँ और अच्छे से वीडियो बन पाए, लेकिन इतना ही मैंने रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए। तो बस आज से दुर्गा माता की विदाई हो चुकी है नवमी में हवन के बाद। तो बस यही सारी चीज़ें थी, यहाँ मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग, नौमी व्लॉग स्पेशल जो नवरात्रि का होता है ना ये। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप सबको मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नौमी की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं, दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, इस तरह कर भी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए, वीडियो पूरी देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।